हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे थे। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमने कंप्यूटर डिवाइस टॉपिक शुरू कर रखा था, ठीक है। कंप्यूटर डिवाइस, हम कंप्यूटर डिवाइस के अंदर बात करते हैं, आपने मोडेम कर लिया है, केबल का भी हो गया है, इथरनेट कार्ड भी हो गया है और हब भी हो गया है। हमारे टॉपिक आज के जो रहेंगे वो स्विच और गेटवे है। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि हमने इन सभी में जो स्टडी की है अभी तक, जो हमने पढ़ा है उसमें क्या था कि मोडेम था, तो इसकी भी थ्योरी की बात करें तो कॉमन है, ये केबल है, ये कार्ड है, ये हब है, ये सभी क्या करते हैं, ये ऑल क्या करते हैं, ये जितने भी मैंने हार्डवेयर पढ़ाए हैं आपको, ये सब का क्या काम है, ये भी कोई एक इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्शन को मल्टी सिस्टम में शेयर करना। ये मेरे डिवाइस वन, कंप्यूटर डिवाइस टू, कंप्यूटर डिवाइस थ्री, किसी एक सिस्टम, मतलब इस चैनल का भी यूज़ करें तो एक से ज़्यादा कंप्यूटर में डेटा की शेयरिंग की जा सकती है। बिल्कुल, अगर इंटरनेट ना भी हो तो कंप्यूटर आपस में डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं। अगर इसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन लगा दिया जाए तो ये पूरे कहाँ पर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम डेटा की शेयरिंग कंप्यूटर से कर सकते हैं। हम पूरे वर्ल्ड में किसी भी डिफरेंट डिवाइस, किसी कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल सिस्टम पर इस सिस्टम से डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क से क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क जो ये मॉडेम है अगर ये लगा हुआ है तो इससे कंप्यूटर आपस में, मतलब एक दूसरे के अंदर डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं। ये डिवाइस का काम यही है। और ये आरजे कंडक्टर, ये क्या है स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको केबल के यहां पर वायर को कनेक्ट करने के लिए जो जैक होता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। अगर ये कंडक्टर नहीं होगा तो वायर की कनेक्टिविटी करना मुश्किल है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इथरनेट कार्ड, ये भी क्या करता है, नेटवर्क का काम करता है, डेटा की शेयरिंग। हब का वर्क भी डेटा की शेयरिंग, स्विच का वर्क भी डेटा की शेयरिंग और गेटवे का भी डेटा की शेयरिंग है। इन सभी की जो थ्योरी रहेगी स्टूडेंट वो क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। ये हार्डवेयर डिवाइस है, अगर ये एक से, इनका जो एडवांटेज थी वो स्टूडेंट ये थी, अगर जब ये यूज होते हैं तो एक से ज़्यादा कंप्यूटर में डेटा की शेयरिंग करते हैं। अगर ये फेल हो जाते हैं, डिसएडवांटेज क्या है, ये हीट होकर फेल हो जाते हैं, जिससे क्या है, डेटा की शेयरिंग रुक जाती है, जिससे सभी कंप्यूटर को, इससे क्या होता है, सभी कंप्यूटर को लॉस होता है, मतलब इस हार्डवेयर के फेल होने से सभी कंप्यूटर को लॉस होता है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, स्विच, जिसके सेम थ्योरी रहेगी, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इन सभी हार्डवेयर में, वो हम देखेंगे। स्विच क्या है, जिसकी थ्योरी की बात करें, स्विच क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। स्विच क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। इस तरीके से हार्डवेयर डिवाइस है। अब बात करते हैं कि जिस सीपीयू में स्विच का यूज होता है,
वही सिस्टम कि ये सिस्टम नंबर वन, ये सेकंड सिस्टम में अगर स्विच लगा हुआ है तो क्या होगा, डेटा का ट्रांसफ़र होगा। मतलब स्विच के अंदर डेटा का ट्रांसफ़र करने के लिए, स्विच किसके लिए यूज होता है, डेटा का ट्रांसफ़र करने के लिए दो डिफरेंट डिवाइस है उनके अंदर डेटा की शेयरिंग करने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। स्विच को सीपीयू के यहाँ सीपीयू के इंटरनल स्टोरेज में लगाया जाता है कि ये इंटरनल बोर्ड में यहाँ पर लगाया जाता है। ये जो सीपीयू का हार्डवेयर जो स्टोरेज है यहाँ पर इसको लगाया जाता है, मतलब इसको बाहर नहीं लगाया जाता, एक्सटर्नल नहीं लगाया जाता। अब तक हमने जितने भी डिवाइस पढ़े थे वो सभी के सभी एक्सटर्नल थे, उनको बाहर लगाया जाता है सीपीयू से, लेकिन ये यहाँ पर जो इंटरनल हार्डवेयर स्टोरेज है इसको यहाँ पर लगाया जाता है और यहाँ पर भी यही सिस्टम रहेगा। इसका यूज करने से क्या होगा, डेटा का ट्रांसफ़र होगा। स्विच इसके अंदर नेटवर्क बनाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। मतलब एक बड़ी कंपनी के लिए, किसी बड़ी कंपनी के लिए हब से या अदर डिवाइस से, ये बड़ी कंपनी के लिए या बड़े मैनेजमेंट के लिए, बड़े सिस्टम के लिए किसका यूज किया जाता है, स्विच का यूज किया जाता है। ये दो टाइप से होते हैं स्टूडेंट, आगे इसकी कैटेगरी पढ़ेंगे, पहले इसका पूरा एक्सप्लेन देख लेते हैं कि क्या है। मतलब वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। अलग अलग जैसे कंप्यूटर सिस्टम जितने भी यहाँ लगे होंगे, जितने कंप्यूटर यहाँ होंगे, इनका क्या होगा, डेटा की शेयरिंग के लिए किसका यूज हुआ, स्विच का यूज हुआ। यहाँ से डेटा यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए वायर की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ से डेटा यहाँ तक ट्रांसफ़र करने के लिए वायर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि स्विच टेक्नोलॉजी में डेटा का ट्रांसफ़र वायरलेस टाइप से हो जाता है, वायरलेस कैटेगरी से भी होता है। अब बात करते हैं कि स्विच को वायर टेक्नोलॉजी भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल, स्विच अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग टाइप से मिलते हैं। मान लेते हैं स्विच यहाँ लगा हुआ है और पूरे बिल्डिंग में इसकी वायर कैटेगरी भी बनाई जा सकती है, वायर कैटेगरी भी बनाई जा सकती है स्विच की। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड ये 10 Mbps से 100 Mbps तक सपोर्ट कर सकता है और इसकी परफॉर्मेंस दूसरे हार्डवेयर से ज़्यादा होती है। किसकी स्टूडेंट, स्विच की, कि इसकी परफॉर्मेंस दूसरे हार्डवेयर से ज़्यादा होती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, स्विच किसको बोलते हैं। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर हम प्लग लगाते हैं, ठीक है, तो हम प्लग लगा देते हैं और प्लग लगाते हैं तो उस प्लग वायर के आगे जो प्लग होता है इसको स्विच बोलते हैं। इसी तरीके से अगर जो वायर टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर स्विच बने होते हैं यहाँ, और ये बहुत ज़्यादा स्विच होते हैं, कम से कम ये 8 से लेके 12 तक भी हो सकते हैं और इतने भी हो सकते हैं। बड़ी कंप्यूटर लैब या बड़े सिस्टम के लिए, ज़्यादातर बड़े सिस्टम या जैसे कई बार होते हैं कि किसी इंस्टीट्यूट, जैसे बैंक का इंस्टीट्यूट है या कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, तो उसके अंदर डेटा या इंटरनेट के लिए स्विच टेक्नोलॉजी को काम में लिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर डेटा की शेयरिंग करवाई जाए। इसी तरीके से स्विच कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर, कि ये 8 से लेके 12 60, इस तरीके से ये जितना हमें रिक्वायरमेंट है हम उतना बड़ा स्विच का मेंटेन करवा सकते हैं। वायर और वायरलेस टेक्नोलॉजी दोनों में इसको करवाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम
नेक्स्ट इसका देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बता रहा था आपको कि स्विच जो होती है वो टू टाइप से होती है, फर्स्ट मल्टी स्विच, सेकंड नेटवर्क स्विच। फर्स्ट क्या है? मल्टी स्विच, और सेकंड हमारे है नेटवर्क स्विच। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टी स्विच क्या है और नेटवर्क स्विच क्या है। स्विच टेक्नोलॉजी का यूज क्यों किया, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या, हब को थोड़ा सा कंसेप्ट को जानना पड़ेगा कि हब था, जब हब है तो हमें फिर स्विच क्यों बनाना पड़ा। जब एक हब से, किसी एक हब से मेरे यहाँ पे जितने भी पीसी लगे हुए हैं, एक हब से मतलब मेरे यहाँ पे जितने कंप्यूटर पीसी लगे हुए हैं, जैसे पीसी नंबर 1, कंप्यूटर पीसी 2, 3, 4, 5, किसी एक हब से इतने कंप्यूटर चल रहे हैं। मैंने यहाँ पर सीपीयू और यहाँ पर हब डिवाइस मैंने लगा लिया है। अब इस हब से क्या हो रहा है कि ये सभी कंप्यूटर, एक नेटवर्क मिल रहा है सभी को, और ये नेटवर्क आपस में क्या कर रहे हैं, डेटा की ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि हब के अंदर एक ऐसा सिस्टम था कि यहाँ पर जैसे इंटरनेट चल रहा है, तो इस हब से क्या हुआ, सभी में इंटरनेट चल गया। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मान लो कंप्यूटर नंबर ए ने यहाँ पर बी, कंप्यूटर नंबर सी और डी और यहाँ पर ई है, इस कंप्यूटर ने यहाँ पर कोई मैसेज जनरेट करना है या कुछ पर्सनल मैसेज सेंड करना है, तो वो नोटिफिकेशन इन सभी को आ जाता था। वो नोटिफिकेशन इन सभी को आ जाता क्योंकि यहाँ से हब के अंदर वो डेटा आता था और वो सभी कंप्यूटर के लिए क्या हो जाता था, जनरेट हो जाता था। सभी कंप्यूटर के लिए वो मैसेज जनरेट होता था। जैसे मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव लगा दी, कोई पेन ड्राइव यूज़ की, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्या यूज़ कर रहा हूँ, पेन ड्राइव का यूज़ किया। अब पेन ड्राइव से स्टूडेंट क्या होता है, इसका यूज करने से, पेन ड्राइव का यूज करने से सभी को नोटिफिकेशन आ गया। किसकी वजह से, हब की वजह से, मतलब सभी को वो डेटा क्या होता था, शेयर होता था। अब क्या हुआ, फिर स्विच टेक्नोलॉजी, स्विच में आया, फिर सिस्टम आया कि एक तो सिंपल स्विच होता जिसके अंदर भी ऐसा सिस्टम होता कि सभी को आप शो करवा सकते हैं, जो मैंने आपको इससे थोड़ा पहले बताया था कि स्विच भी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि आप उसमें सभी को शो करवा सकते हैं, लेकिन आप ये चाहते हो कि आपका डेटा प्राइवेट है। आपका डेटा क्या है, प्राइवेट है, और आप अपने प्राइवेट डेटा को इसे ही शेयर करना चाहते हो। तो ये नेटवर्क सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर क्या होता था कि आप ऐसा सिस्टम भी बना सकते हैं जिसके अंदर क्या होगा, आपका प्राइवेट डेटा ओनली फॉर ई को ही शो होगा, आपका प्राइवेट डेटा ई को ही शो होगा। इसको लेयर टू सिस्टम भी कहा जाता है, लेयर टू या एल टू सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये हब जैसा नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एल टू भी या लेयर टू भी कहा जाता है, लेयर टू सिस्टम। कि इसका सिस्टम अलग है, किसका अलग है, स्विच का अलग है। तो अभी मैंने आपको हब के बारे में बताया था, तो हब के अंदर क्या होता था, वो डेटा सभी को शेयर होता था, और स्विच के अंदर क्या होगा, प्राइवेट डेटा हो जाएगा, और उस प्राइवेट डेटा का क्या होगा, ओनली फॉर, अगर ये है तो ये, अगर इसको शेयर करना चाहता है तो इसको शेयर कर सकता है, और ये अगर इसको शेयर करना चाहता है तो इसको शेयर कर सकता है। तो इसलिए स्विच का यूज हुआ। अब हम स्विच के बारे में और जानते हैं। अब हम बात कर रहे थे मल्टी स्विच की, मल्टी स्विच के बारे में देखते हैं कि मल्टी स्विच क्या है, लेयर टू सिस्टम मल्टी स्विच क्या है। मल्टी स्विच बिल्कुल एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके ऊपर क्या बने होते हैं, स्विच भी बने होते हैं। एक टेक्नोलॉजी कौन सी आती है, वायर आती है, और एक आती है वायरलेस। वायरलेस टेक्नोलॉजी कैसी होती है, जो कंप्यूटर में हार्डवेयर स्टोरेज के अंदर इसको लगाया जाता है, जिसमें कुछ पिन्स होती हैं, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है।
ये हर कंप्यूटर में लगाने से वाईफाई की तरह ये शो हो जाती है। जैसे आज हम वाईफाई चलाते हैं तो दूसरे सिस्टम हमें दूसरा सिस्टम शो हो जाता है, तो इसी तरीके से ये एक दूसरे का सिस्टम शो हो जाता है। लेकिन इन सिस्टम का एक नेम देना होता है। देखो आप अपना वाईफाई स्टूडेंट चलाते हो तो उसका एक नेम होता है, सामने वाले को एक नेम शो होता है ये हमारा मोबाइल या कंप्यूटर। मोबाइल पे ले लेते हैं, ये हमारा मोबाइल है, इसका वाईफाई हम यूज़ करते हैं तो इसका एक नेम होता है, वो हमें डिस्प्ले होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इनमें फिर वाईफाई सिस्टम होता है। स्पीड मैंने बता दी स्टूडेंट कि 10 Mbps से 100 Mbps तक होती है। अब बात करते हैं वाईफाई जो होगा ना स्टूडेंट, वाईफाई जो होगा वो 10 Mbps तक सपोर्ट कर लेता है, क्योंकि वायरलेस टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर आपस में कंप्यूटर काफ़ी कनेक्ट हो जाते हैं इससे। और जो वायर टेक्नोलॉजी होगी, देखो इसमें अंदर तो वायर होगी, तो वायर के अंदर कभी सिग्नल वीक नहीं होता कभी भी, क्योंकि जो वायरलेस होती है उसके अंदर तो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन वायर टेक्नोलॉजी के अंदर स्पीड यहाँ से जैसे सिस्टम स्पीड दे रहा है वैसे सिस्टम होता है। लेकिन वायरलेस में क्या होता है स्टूडेंट, अगर पीसी थोड़ा दूर है और है तो वो सिग्नल के अकॉर्डिंग, सिग्नल फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि सिग्नल फ्रिक्वेंसी अगर एक्सीलेंट है तो 10 Mbps कर देगा, अगर सिग्नल फ्रिक्वेंसी डाउन है तो 10 से भी डाउन आ सकती है स्पीड। अब हम चलते हैं वायर टेक्नोलॉजी पे। ये चैनल 8 का, 60 का, 24 का, 42 या 48 तक का भी आता है। यहाँ पर भी जैसे पोर्ट इधर बने हो ऐसे पोर्ट उधर भी बने होते हैं, 1 2 3 4 5, अगर 5 का है अपने की या तो 8 का बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है 8 का यहाँ पे कंप्यूटर बना लेते हैं, कंप्यूटर नंबर ए, बी कंप्यूटर नंबर, सी और कंप्यूटर नंबर डी, ये हमारा स्विच सिस्टम हो गया। जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं ना स्टूडेंट, वो स्विच टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं सारे के सारे कंप्यूटर। अब देखो वन सीपीयू हमारे पास है और वन सीपीयू से ओनली फॉर इतना नेटवर्क सिस्टम हमने बना लिया। वो किससे बना लिया, हमने मल्टी स्विच सिस्टम से बना लिया, इसको मल्टी सिस्टम कहते हैं। मल्टी सिस्टम हो गया। अब क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ से सी, ये जो सी नंबर कंप्यूटर है इसको एच नंबर कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, सभी को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ओनली फॉर एच के पास नोटिफिकेशन आ रहा है, किसका, सी का, कि इसने कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है। इसने कहा हेलो, तो ये हेलो को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा और यहाँ से क्या सेंड कर देगा, हेलो मतलब यह, ठीक है। अब ये जो नेम दिए जाते हैं, जो ये कंप्यूटर नंबर ए बी और सी, देखो इसके अंदर इन कंप्यूटर का ये अब एक नेम बना देता, सभी कंप्यूटर का अलग अलग जो नेम बनाता है उनको मैक एड्रेस कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, मेक एड्रेस कहा जाता है। तो स्टूडेंट पहले आप ये नोट करो, स्विच का मल्टी स्विच का डायग्राम जो मैंने आपको समझाया है, हाँ स्टूडेंट हम बात कर रहे थे मेक एड्रेस की, कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल,
कि ये क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, कि इन सभी कंप्यूटर का ये क्या बना देता है, एक एड्रेस बना देता है ताकि इसको कोई कन्फ्यूजन ना हो स्विच के अंदर। अब देखो स्विच में इंटरनेट दिया जाएगा वो तो सभी के पास सेम ही चलेगा, वो तो चलेगा चलेगा, वो इंटरनेट तो क्या होगा चलेगा ही, बट इसके अंदर और क्या होगा, इंटरनेट तो चलेगा ही, इंटरनेट तो चलेगा ही और साथ में नेटवर्क कनेक्टिविटी भी होगी, बिना इंटरनेट के भी डेटा ट्रांसफ़र होगा, कंप्यूटर आपस में क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर ये कंप्यूटर सी है वो ए को डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, हो जाएगा, अगर ए को कर रहा है तो भी हो जाएगा, बी को कर रहे हैं तो भी हो जाएगा, मतलब ये कंप्यूटर आपस में डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं। बट इनमें क्या होगा, अगर ये डेटा इसको शेयर कर रहा है तो इसको शो नहीं होगा, इसका सिस्टम ये है कि ये डेटा इसको शेयर कर रहा है तो ये डेटा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आएगा, जबकि हब में क्या था, हब टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे ये हब है, हब में सभी को ये शो होता था, जैसे एक ने हेलो लिख दिया ना, जैसे हब के अंदर ये कंप्यूटर है, यहाँ से किसी ने हेलो लिखा तो वो हेलो इसके पास भी आ रहा, इसके पास भी आ रहा, सभी के पास आ रहा है, और उसमें ओनली 4, 5 से 6 कंप्यूटर ही कनेक्ट हो सकते थे। ठीक है, तो ये हब की क्या है, डिसएडवांटेज है कि हब के अंदर क्या होगा, एक डेटा को शेयर कर रहा है तो वो सभी के पास नोटिफिकेशन या सभी के पास वो हेलो जा रहा है, मतलब ये आपस में सारा डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें क्या होता है कोई एक हेलो लिख रहा है तो वो क्या हो रहे हैं, सभी कोई शो हो रहे हैं। इसी तरीके से हब में अगर यहाँ पर कोई पेन ड्राइव वगैरह अटैच की जाए सीपीयू से, या सीपीयू में कोई भी फाइल या कुछ है वो सभी को शेयर होगी। इसके अंदर ऐसा नहीं है, स्विच में ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसने कोई फाइल बनाई है तो इसको भी शो हो रही है, इसको भी शो हो रही है, इसको भी शो हो रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसने अगर अपनी फाइल बनाई है तो वो इसको शो नहीं होगी, इसको शो नहीं होगी और इसको भी नहीं होगी। हाँ, इसने अपनी फाइल बनाई है और वो किसकी हेल्प से बना रहा है, वो जी नंबर कंप्यूटर की हेल्प से बना रहा है, तो इसकी हेल्प से बना रहा है तो इसने जो फाइल बनाई है वो इसको शेयर कर देगा, इसने जो फाइल बनाई है वो इसको शेयर कर देगा। ये पब्लिक सिस्टम हो गया, ये कौन सा सिस्टम हो गया स्टूडेंट, प्राइवेट सिस्टम हो गया, जिसको क्या बोला जाता है, लेयर टू सिस्टम। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं नेटवर्क ब्रिज की, जहाँ पर कंप्यूटर लैब बनाई जाती है 48 कंप्यूटर्स की, वहाँ पर इसका सिस्टम का यूज होता है, क्योंकि सभी की फाइल क्या होगी, एक सिस्टम में सेव होगी। देखो कंपनी में अलग अलग सीपीयू सिस्टम लगाकर ये सब कुछ नहीं किया जाता, देखो स्टोरेज करना होता है, जितने यूज़र ये वर्क करते हैं वो सारा का सारा यहाँ आ जाता है, इनका अलग वर्क है। सॉफ्टवेयर किसी एक एप्लीकेशन पे वर्क चल रहा होता है वो यहाँ है, वो सेव यहाँ हो जाएगा, जैसे ही ये नेक्स्ट डे अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे इनको अपना शो होता है। ये हमारा स्विच है, स्क्रीनशॉट या नोट कीजिए स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क ब्रिज क्या है। नेटवर्क ब्रिज के बारे में कि जो नेटवर्क ब्रिज है, ये नेटवर्क ब्रिज क्या है, नेटवर्क ब्रिज के बारे में अभी मैं आप थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा आपको, पहले ये स्विच समझ में आना चाहिए था। ये लेयर नंबर 3 पे वर्क करता है, मतलब ये इससे थोड़ा
एडवांस है। बड़ी कंपनीज मैंने बताई थी, बड़ी कंपनी के अंदर क्या होगा, एक स्विच यहाँ लगा हुआ है, एक स्विच यहाँ लगा हुआ है, एक स्विच उधर है, स्विच नंबर वन, स्विच नंबर टू, इससे कंप्यूटर वर्क चल रहे हैं। इसका सीपीयू बना हुआ है, यहाँ वर्किंग हो रही 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 है, और यहाँ वर्किंग, और यहाँ वर्किंग हो रही है, और यहाँ वर्किंग चल रही है। इनके बीच में अब देखो, इसका डेटा इसमें सेव हो रहा है, यहाँ एक सीपीयू है, इनका डेटा यहाँ सेव हो रहा है। ओके स्टूडेंट, इनका डेटा यहाँ सेव हो रहा है। हम नेटवर्क ब्रिज की बात कर रहे हैं। बड़ा ब्रिज वो होता है जब मल्टी स्विच का यूज़ किया जाए, मल्टी हार्डवेयर डिवाइस, कौन सा, स्विच का। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि अब मल्टी, तो इसको ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पर एक चैनल लगाया जाता है जिसको ब्रिज कहा जाता है। इस ब्रिज के अंदर किसकी कनेक्टिविटी की जाती है, सीपीयू की। किसकी कनेक्टिविटी होती है स्टूडेंट, सीपीयू की। इन्होंने यह कंप्यूटर नंबर ए बी सी डी ई एफ जी, इनका भी अलग है अपना, ए वन बी वन सी वन डी वन ई वन एफ वन जी वन, इतना हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं क्या होता है। इसने डी कंप्यूटर से फाइल लेनी है, ये रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, यहाँ से इस ब्रिज में आएगी, और ये ब्रिज क्या करेगा, यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को लेके आएगा और यहाँ से कनेक्टिविटी करवाएगा। मतलब दो स्विच के बीच में एक हार्डवेयर लगाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, नेटवर्क का ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पर इसने रिसीव किया, इसने उस फाइल, जो फाइल जीवन को चाहिए, उस फाइल की रिक्वेस्ट आई है, तो ये अपनी फाइल को यहाँ से सेंड करेगा, यहाँ से यहाँ फाइल आकर जीवन के पास आ जाएगी। जब मल्टी स्विच इनके मल्टी स्विच को कनेक्ट करने का जो सिस्टम होता है उसको ब्रिज कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इन सभी कंप्यूटर का सेम मेक एड्रेस नहीं होना चाहिए, ये किसी कंपनी के लिए यूज की जाती है, क्योंकि कंपनी में ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं, स्विच से बहुत सारे कंप्यूटर चलाए जाते हैं, फिर स्विच से चलाए जाते हैं, और उनको अगर आपस में कोई फाइल ट्रांसफ़र या फाइल सिस्टम बनाना है तो ये बनाया जाता है। सभी स्विच, चाहे एक स्विच और लगा दिया तो और भी कंप्यूटर चल रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उनका भी यहाँ, और भी कोई स्विच पोर्ट बना दिया उस पर कंप्यूटर वर्किंग कर रहे हैं, तो सभी कंप्यूटर आपस में डेटा की शेयरिंग करते हैं, आपस की डेटा की शेयरिंग करते हैं, और किसी एक मेन कंप्यूटर में क्या होता है, वो डेटा सेव होता है। ये आपका कौन सा टॉपिक है स्टूडेंट, नेटवर्क ब्रिज। कल हम पढ़ेंगे गेटवे, इसे आप नोट और स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट।